Now I am starting today's topic. In my previous lecture, I have explained you about the various types of acids plus what are their physical as well as their chemical properties. Now, whatever acids we have studied, that is, suppose we are having HCl, this one H2SO4, we have studied about this one, this is an acid, then comes HNO3, then comes acetic acid, CH3COOH, then comes another acid, that is HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH. अगर आप चाहें तो यही सब कंफाइन रहे, नहीं तो और भी कई ऐसे मात्रा जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, ये आते हैं। बट मैं सिंपल एग्जांपल अभी आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। अब इससे पहले कि मैं ये वाला टॉपिक लूँ कि बट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, ठीक है, उससे पहले मैं चीज़ और एक्सप्लेन करूँ कि जो एसिड्स है, ये क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है फ्रॉम CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो एसिड्स है दे शो देयर प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि वो अपना जो बिहेवियर है बेटा, हर एक चीज की एक करैक्टरिस्टिक्स होती है। तो एसिड की जो करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कि उनका एच पॉजिटिव आयन देना, एच पॉजिटिव क्या करना, वो एच पॉजिटिव मतलब कैटायन प्लस एनायन में क्या होना, वो डिशेड होना। और इसी करके क्योंकि आपको पता है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो या अभी वैसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो, क्योंकि चैप्टर साइज स्टार्ट नहीं हुआ है, कि जो हमारे पास करंट है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, या हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एच पॉजिटिव भी क्या है, वो एक आयन की तरह है, जहाँ पे आयंस होंगे जैसे मेटल्स हैं, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर हैविंग आयंस, दे आर हैविंग मेटालिक आयंस, ठीक है बेटा। तो जहाँ पे भी आयंस होंगे दे आर द कंडक्टर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब मैंने एक लाइन बोली थी कि जो एसिड्स हैं दे आर अ कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कैसे हैं, इसके लिए पहले मैं चीज बोलूँ कि जो एसिड्स हैं कि बिग इलेक्ट्रिटी, आपको क्वेश्चन में बताया बिग एन एक्टिविटी शो दैट, बिग एन एक्टिविटी शो दैट एसिड शो देयर बिहेवियर, बिग एन एक्टिविटी शो दैट एसिड्स शो देयर बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अब बिहेवियर क्या है, कि एसिड का जो बिहेवियर है दैट इज टू गिव एच पॉजिटिव आयंस, ठीक है। अभी यहाँ पे भी आ गया, पर पहले इस एक्टिविटी को करो, तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब, या बेटा टाइट्रेशन क्लास इट इज अप टू यू, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है बेटा। इस टेस्ट ट्यूब में आप यहाँ पे लगा देंगे फनल, फनल क्या होगी कि जो भी चीज हमने ऐड किया साथ में, क्या ये पार क्या इसको होल्ड करके रखो, इसका कॉर्ड ठीक है। देन कम्स देयर अगेन नॉट, यहाँ पे बेटा एक डिलीवरी ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब से खाली ट्यूब है जो जिसको हम क्या करेंगे, बाहर जो भी अंदर चीज लेके उसको बाहर आने में करेंगे, वो इसके थ्रू लेके आएंगे, दिस इज द डिलीवरी ट्यूब। अब ये क्या बन रहा है, इसका फनल, तो फनल ये आ गया, फनल जैसे कीप ऑन एयर करके यूज करने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज आपने लेनी है वो लेना है आपने जैसे NaCl ले लो, ठीक है, ऐसे ले लो, या जैसे हमने कहा HCl रिलीज करना, जहाँ से HCl क्या हो रिलीज हो, ठीक है, वो चीज लेनी, कोई भी सब्सटेंस जिसमें से निकले वो मतलब HCl निकले या एसिड सब्सटेंस क्या करें वो बाहर निकले, वो चीज क्या करनी है, वो यहाँ पे लेनी है। सपोज मैंने यहाँ पे NaCl ले लिया, नमक ले लिया, अब इसमें क्या किया मैंने H2O क्या कर दिया, वो ऐड कर दिया, सपोज H2O आप एडेड, ठीक है बेटा, सपोज आप एडेड, अगर ये नहीं लेना आप कोई और रिएक्शन दे सकते, H2O मैंने किया वो ऐड किया, तो H2O क्या करेगा, दिस NaCl यहां से आपने एक किया H2O क्या करा, ऐड करा NaCl ले रखा, ठीक है। अब NaCl का जो रिएक्शन होगा, NaCl प्लस H2O, जब इसमें आप ऐड करोगे इट गिव्स यू NaOH प्लस HCl। अब ये जो HCl यहां से इवॉल्व होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, तो बेटा यहां से क्या मैं H2O क्या किया वो ऐड किया, तो ये क्या करेगी HCl के फॉर्म में यहां से बाहर जाएगा, ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डाई HCl। जब ये गैस बाहर जाएगी तो आपने करना क्या है कि इसके माउथ के सामने ब्लू लिटमस पेपर क्या करना है वो लेके आना, ठीक है बेटा। जब आप ब्लू लिटमस पेपर लेके आओगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व,
देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है बेटा, पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जैसे ही आप इस माउथ के सामने जहां से एसीएल गैस निकल रही है आप ब्लू लिटमस पेपर लेके आए, देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर ले रखा है आपने। ठीक है, अब क्या करो, इसी लिटमस पेपर को क्या करो, गीला करो, दोबारा लेते आओ। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जो लिटमस पेपर है उसका जो कलर है दैट विल चेंज इनटू रेड, वो रेड में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट विल चेंज इनटू रेड। तो ये क्या इंडिकेट करता है, जो एसीएल था जब वो ड्राई एसीएल के फॉर्म में था तो ब्लू लिटमस का पेपर कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन वही जब हमने बैट फॉर्म में यूज किया तो इट्स कलर चेंज। तो मतलब जो एसीएल है उसने जो प्रॉपर्टी अपनी एग्जिबिट करी वो किसकी प्रेजेंस में करी, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। तो एसीएल की तरह और भी एसिड्स हैं। तो बेटा यहां से एक चीज इंफर हम कर सकते हैं कि जो एसिड्स हैं दे शो देयर प्रॉपर्टीज इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो पानी की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या है, देखो बेटा कोई भी एसिड है, चाहे वो HCl है, चाहे वो H2O है, चाहे H3O है, चाहे CH3COH है, ये कभी भी H पॉजिटिव है, प्रॉपर्टी क्या है, H पॉजिटिव है लेकिन बेस्ट है, ये तभी एग्जिबिट करेंगे व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। ये हमने एक्टिविटी से प्रूव किया। तो अब मैं जैसे यहां पे कहूं HCl, अगर मैं इसमें लिखूं H2O+, तो बेटा एक तरीका HCl और H2O को लिखने का एक ये है, इसी को चीज को मैं ऐसे लिखता हूं HCl Aqueous, क्या लिखता हूं उसको HCl Aqueous। ठीक है, बात एक ये है, HCl Aqueous इज इक्वल टू HCl+H2O, क्लीन और क्लियर, तो दोनों चीजें ये। अब बेटा इसी तरह से मैं यहां पे एक्वस वर्ड यहां पे लगा दिया, यहां पे एक्वस वर्ड, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहां पे पानी क्या है प्रेजेंट है। तो अब बेटा जैसे HCl है, जब ये पानी की प्रेजेंस में होगा तो इट विल गिव यू, क्या देगा बेटा, H+ Cl- Aqueous। आयंस अभी बनेंगे व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ आयंस, सॉरी वाटर, उसी में से बेटा H2SO4 Aqueous, तो इट विल गिव यू H2+ 2H+। ठीक है बेटा, Aqueous+SO4 2- Aqueous ये प्रोड्यूस कर रहा है। उसी में से बेटा यहां पे आ जाओ, जो नेक्स्ट वन इज HNO3, HNO3 Aqueous, इट गिव्स यू H+ Aqueous। ठीक है बेटा, +NO3- Aqueous। ठीक है बेटा, उसी में से बेटा अगला क्या होगा, CH3COH, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, जैसे ये लिख दिया मैंने, CH3CO+H+ इट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज अ वीक एसिड। ठीक है, और दूसरा वीक एसिड से पहले क्या है, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये रिएक्शन कभी नहीं होगा, इट विल गिव H पॉजिटिव आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अब ठीक है रिएक्शन, यहां पे एक्वस, यहां पे क्या है बेटा एक्वस। ठीक है, उसी वे से H2CO3, दिस इज कॉल्ड द कार्बोनिक एसिड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कार्बोनिक एसिड, इट विल गिव्स यू क्या देगा बेटा, हमारे पास CO3 2- Aqueous+2H+ यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो CO3 2- Aqueous+2H+ ये क्या हमारे पास प्रोड्यूस हो गया, क्लियर क्लियर। ठीक है बेटा, तो नाउ वी आर हैविंग दिस वन, और भी कई बेटा ऑक्सैलिक एसिड भी हमारे पास आते हैं। अब देखो इस एग्जांपल में, देखो यहां पे क्या है H+, यहां पे क्या है H+, यहां पे क्या है H+, और यहां पे क्या बेटा हमारे पास H+, और यहां पे क्या हमारे पास वो H+। तो इतने सारे एसिड्स मैंने लिखे, बट इट्स कॉमन इन ऑल, H+ here, H+ here, H+ here, H+ here, H+ here, तो क्या लिखते हैं, बट इट्स कॉमन इन ऑल एसिड, देयर इज प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, देयर इज प्रेजेंस ऑफ
presence of F positive ions, F positive या F plus. ठीक है बेटा, तो what is common in all acid? अभी का concept जो आपका है वो acid का क्या है कि acid is having H positive ion. ठीक है, ये जो concept है कि जो acids है, ठीक है, but other properties, ये जो concept है कि they release H positive ions in the presence of water, that is given by a scientist and called Arrhenius. कौन था साइंटिस्ट? अरहेनियस. जो हमारे पास अरहेनियस साइंटिस्ट है उसने बोला कि जो एसिड्स हैं, एसिड्स गिव एच पॉजिटिव आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ये जो हमारे पास क्या है एसिड्स है वो क्या करते हैं, एच पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, वो देते हैं कि सीडेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. And what is common in all? That is H positive. ये दिया था concept किसने? Arrhenius. एक scientist में. Otherwise बेटा जो acids हैं उनको define करने के दो और वे हैं. सभी H positive ions होंगे जिनमें ऐसे कई substances हैं जो acidic हैं but उनमें H positive ion नहीं भी है. जैसे Bronsted Lowry concept आएगा, Lewis acid basis concept आएगा, पर वो आप पढ़ोगे plus one class में. अभी आप एक ही concept कि दो substances which furnishes, which gives H positive ions in water, they are called the acids. ठीक है? And what is common in all acids? That is presence of H positive ions. Clear? तो बेटा ये था. अब इसमें मैंने एक गलती करी है. गलती जानबूझ के करी है ऐसे. अब यहाँ पर थोड़ी सी modification कर देते हैं. ये जो acid है, ये strong acid. और ये दोनों जो acids हैं, ये ना weak acids. तो इनका reaction कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा. जैसे मैंने लिखा हुआ. इसमें थोड़ी सी modification. ये उस टाइम के लिए सही था जब तक आपको ये कंसेप्ट समझ आया. ये जब भी हम कई बार रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे सिंग हाफ हेडेड एरो लगाते हैं और एक हाफ हेड किस तरह जाता है, ऐसे जाता है. कई बच्चों ने जब मेरे को आंसर दिए थे, अब जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं विच गिव्स और विच बिशेप कंप्लीटली इन टू द आयंस, कौन से? एच पॉजिटिव प्लस दिस वन. ठीक है, कंप्लीटली डिशेप्ड होते हैं तो दे आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड्स. और वो जो पार्शियली डिशेप्ड होते हैं दे आर कॉल्ड द वीक एसिड. तो ये दोनों क्या था आपका सर? दे आर द वीक एसिड्स. ये कंप्लीटली कभी भी डिशेप नहीं होंगे जबकि स्ट्रॉन्ग कहते हैं सारे सारे डिशेप होते हैं, सिंगल हेडेड हो जाता है. तो ये क्या इंडिकेट करता है कि शुरू में ये थोड़े टाइम में डिशेप होंगे फिर उसके दोबारा कंबाइन करके यही फॉर्म करते हैं, रिवर्सिबल टाइप होता है. ठीक है, क्लीन और क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्या दो क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुए. व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स? सेकेंड, कि जो एसिड्स हैं दे शो देयर प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की प्रेजेंस में कभी तक प्रॉपर्टी क्या करते हैं वो एग्जिबिट करते हैं. क्लियर? ठीक है, अब उसके अगला जो टॉपिक है देखो बेटा वो है जो एसिड्स है. जल्दी हम दो तरह से एसिड्स को यूज करते हैं. आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्योर, कि जो एसिड होगा वो प्योर फॉर्म होगा, प्योर फॉर्म वो होगी, उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड. दो तरह के ऐसे या तो कंसंट्रेटेड वन या तो डाइल्यूटेड वन, मतलब या तो प्योर होंगे या तो उनमें जो सर्टन सब्सटेंस है वो क्या होगा और भी प्रेजेंट होगा जिसका जो अमाउंट होगा लार्ज इनफ होगा. और यहां भी जो सॉल्वेंट हम जनरली यूज करते हैं वाटर. ठीक है, अब इट इज कंसंट्रेटेड एसिड, दोस एसिड्स इन विच देयर इज एक्सेस ऑफ दैट एसिड, कि जो एसिड होगा दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, मतलब ऐसे मान लो तो ऐसे मान के चलो कि 95% प्लस होगा. ठीक है, अगर वही चीज होगी और कम अमाउंट में उसमें पानी हो गया वहां पे देयर कॉल्ड द कंसंट्रेटेड वन, ओनली वन कंपोनेंट इज देयर, यू कैन से दैट इज ओनली दैट सब्सटेंस. इफ हमने क्या किया इस कंसंट्रेटेड में क्या किया, सपोज हमारे पास 50 ml का था वो एसिड था, अब उसमें हमने क्या किया 100 ml पानी डाल दिया तो सॉल्वेंट क्या 100 आ गया और ये क्या था सॉलिड फॉर्म में चला गया. तो मतलब जो कंसंट्रेशन है किसकी, एसिड की, वो क्या है वो कम है. ठीक है, जो सॉल्वेंट है वो क्या ज्यादा हो गया. उस केस में जो एसिड हमारे पास आएगा दैट्स कॉल्ड द डाइल्यूटेड एसिड. अब क्वेश्चन ये होता है कि देखो बेटा ये हमारे पास क्या था 50 ml का था सपोज एसिड, ये
यहाँ पे हमारे पास क्या है 200 ml का है वो पानी, ठीक है। एक तरीका क्या है, इसको उठा के इसके अंदर डाला जाए। एक तरीका ये कि जो 50 ml है उसको 200 ml में डाला जाए, ठीक है। जैसे दूध की मिलावट करनी है तो दूध में पानी मिलाया जाए, पानी में दूध मिलाया जाए, मिलावट तो करनी है। तो या तो बेटा 50 ml को इसमें मिलाया जाए या 200 को, अगर कंटेनर का साइज बड़ा है 50 ml में मिलाया जाए। जैसे बेटा मैं ये भी साइज बढ़ा देता हूँ, इसको जो मेरे पास बिकर है वो 500 ml के दोनों, लेकिन मैंने इसमें लेता 50 ml का वो कैसे, और यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो किसकी है, बिकर की 500 ml, इसकी 500 ml कैपेसिटी। और जो सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है वो यहाँ पे 50 ml है और यहाँ पे मेरे पास 200 ml। एक तरीका इस 50 को इसमें डाल दो, या एक तरीका क्या है वो इसमें इसको डाल, ठीक है। अब एक दोनों में सही है और एक क्या वो गलत है, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा लहरा का एग्जांपल लेता हूँ। पहले एक जो बच्चे मेरे पास पहले पढ़ के गए 2016 तक, उनके लिए तो पेट एग्जांपल था कुत्तों और रोटी का, आपके लिए एग्जांपल है बंदरों का, ठीक है। तो बेटा जैसे सपोज आजकल बंदरों को नहर में कोई नहीं खाना दे रहा है, यहाँ पे जो सराउंडिंग नहर है तो क्या कर रहे हैं वो घरों की तरफ आ रहे हैं। अब बंदर की तरफ एक अकेला तो होता नहीं है, पूरा का पूरा झुंड होता है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ इसको समझने के लिए कि अगर हमारे पास 50 बंदर हैं, उनके बीच में आप दो रोटी फेंक दो एक केस, और दूसरे केस में 50 बंदर हैं और आपने 40 रोटी फेंक दी, तो बताओ मेरे को लड़ाई कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, या होगी ही नहीं। इमेजिन करो कि दो रोटी फेंकी बंदर 50 है, और दूसरे केस में 40 रोटी फेंक दी बंदर फिर 50 है, तो लड़ाई कब होगी या नहीं होगी या बहुत ज़्यादा किस केस में होगी, इमेजिन करो ज़रा। तो आप क्या इमेजिन करोगे, जब दो रोटी फेंकेंगे तब भी लड़ाई होगी, जब 40 रोटी फेंकेंगे तब भी लड़ाई होगी, लेकिन उस लड़ाई की जो इंटेंसिटी होगी एक केस में कम होगी, एक केस में होगी ज्यादा, लड़ाई दोनों केस में होगी। वो उसका ऊपर से आपने रोटी दी उनको फेंकी, 10 बंदरों की नजर उसी रोटी के ऊपर है, 10 के 10 पड़ेंगे उसको उसके पीछे, और लड़ाई होगी, पकड़ के एक या दो लेके जाएंगे, लेकिन उतने में उनको सामने कोई और रोटी भी दिख सकती है तो उस तरफ हो जाएंगे। लेकिन दो रोटी होगी तो 50 बंदरों का टारगेट क्या होगा, उस दो रोटी के ऊपर होगा। तो नेचुरली जो इंटेंसिटी ऑफ क्वेरल होगी वो ज्यादा होगी किस केस में, जब रोटी क्या है वो कम है, ठीक है बेटा। तो वहां पर लड़ाई तो ज्यादा होगी, लड़ाई होगी लेकिन दूसरे केस में थोड़ी कम होगी। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल क्यों, देखो बेटा जब भी आप चलो एसिड जो होगा उसको पानी में मिलाओगे, चाहे वाटर क्या करोगे वो एसिड में मिलाओगे, समझ रहे हो मेरा मतलब, कि एक केस में एसिड को पानी में मिलाया, दूसरे केस में वाटर को एसिड में मिलाया, दोनों ही केस में जो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मी, मतलब हीट क्या होगी वो लिबरेट होगी एक्सोथर्मी को। लेकिन मैंने अब बोला कि दोनों केस में लड़ाई होगी लेकिन एक केस में ज्यादा होगी, तो यहां भी एक ऐसा केस है जिसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होती है कि जिस बर्तन में अगर आपने बिकर के अंदर रखा हुआ है वो बिकर भी ब्रस्ट कर सकती है, इवन द एसिड जो आप डाइल्यूशन कर रहे हैं वो स्प्लैश आउट भी हो सकता है। अगर स्प्लैश आउट हो गया तो बड़ी लेवल एसिड में तेजाब लाई की होते हैं, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या जल जाओगे आप, तो बड़ी लेवल अब हमें एक पर्टिकुलर निकल गया जिससे नुकसान कम से कम हो, नुकसान हो रहा है ना। अब जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन ये नहीं मतलब कि कोरोना को खत्म करेगा, लॉकडाउन मीन्स द नंबर ऑफ केसेस को हमने क्या करना है वो रिड्यूस करना है, कम करना है, ठीक है। तो अब बेटा जैसे एसिड वाटर, वाटर में एसिड, अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मेरे पास ये जो एग्जांपल है इसको मैं कोरिलेट करूं 50 ml, ये एक केस है, 200 ml ये है, ठीक है। अब एक चीज को हम कोरिलेट करेंगे, एसिड को हम कोरिलेट करेंगे या बंदरों से या पानी को कोरिलेट करेंगे बंदरों से। सपोज जो हमारे पास रोटी है, ठीक है, वो क्या हमारे पास वो एसिड, एसिड जो है दैट इज द रोटी, समझने के लिए, ठीक है। और बेटा एक दिस इज ये बेटा क्या हमारे पास ये रोटी है, जो पानी है जो वाटर है मैं यहां पे कहूं जो पानी है वो क्या है रोटी है, ठीक है। और जो एसिड है मेरा मॉन्किस, ठीक है। अब बेटा पहला केस जब आपने देखो ये हमारा 50 ml था, जब एसिड में आपने इसको ले रहा हूं फर्स्ट केस,
जब ऐसी में पानी मिला, अब ये तो जैसे आप पानी इसके अंदर डालोगे, ये तो होगा जब कंटिन्यूटी में पानी इसमें डाल देंगे आप, या मतलब सीधा फेंक देंगे, आप क्या करेंगे मतलब पोर करेंगे ना इसमें, तो बट क्या यहाँ पे जो एसिड्स होंगे बंदर होंगे मतलब या मतलब एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे ज़्यादा होंगे, तो जब आप पानी इसमें पोर करोगे तो अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कमिंग इन कॉन्टैक्ट ऑफ दिस एसिड विल बी लेस, ये तो नहीं होगा टॉप 200 इसमें डालोगे कम होंगे, तो बट क्या जो एसिड होंगे उनको न्यूट्रलाइजेशन के लिए कम वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, and they will have the competition, means they will have a brisk movement. As a result, the amount of energy produced, जब वो movement होगी तो friction होगा तो energy produced होगा, अब लिखना नहीं मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, तो means जब आप acid में पानी add करोगे, the reaction will be vigorous one, क्योंकि सबको क्या चाहिए पानी के molecule चाहिए, और जब आप पानी डाल रहे हैं उसको pour करें धीरे धीरे या fast में, तो शुरू में जो amount आएगा पानी का कम होगा, तो एज अ रिजल्ट जो रिएक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी मोर विग्रस। अब सर आप बोलेंगे कैसे, इसको अपोजिट करें, सपोज हमारे पास पानी है उसमें आपने एसिड डाल दिया, अब बेटा क्या करोगे आप जैसे इसके अंदर आप इसको पोर करोगे, आप इसको पोर करोगे, अब यहाँ पे पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा है, जब ये एसिड जाएगा तो उसको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा मिल जाएंगे, तो बेटा किसी ना किसी मॉलिक्यूल को जो एसिड होगा उसको पानी का मॉलिक्यूल मिलेगा मिलेगा, तो एज अ रिजल्ट क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे लेस विग्रस होगा, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस विल बी लेस। तो हम क्या बोलेंगे, जब हम क्या करेंगे पानी में एसिड डालेंगे ये वाला रिएक्शन, ये तो उस केस में जो रिएक्शन होगा दैट्स गोइंग टू बी लेस एक्सोथर्मिक, व्हाई इट इज मोर एक्सोथर्मिक, बिकॉज़ यहां पे पानी के कंटेंट होगा कम, एसिड के पास रिएक्शन विग्रस हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी हाईली एक्सोथर्मिक, ये क्या होगा हाईली एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। तो इस करके हम जब भी डाइल्यूशन करते हैं हम हमेशा पानी में एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में पानी डालते हैं, क्लियर और क्लियर, दिस इज हाउ वी ऑब्टेन द डाइल्यूट एसिड। तो यहां से क्वेश्चन उठता है कि हाउ वी गेट द डाइल्यूट एसिड, क्या है आप लिखोगे यहाँ पे कि रिएक्शन इज वेरी विग्रस, तो इस करके हमेशा जो डाइल्यूशन होती है वो कैसे होती है कि हम पानी में क्या करते हैं वो एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में पानी, ठीक है। तो ये थी हमारा इसका सेकंड इसका क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने यहाँ तक आपको टॉपिक कर रहा था। ये तो भी गाएगी है हो गया बंदा, वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ एसिड, वन इज स्ट्रॉन्ग सेकंड वन इज वीक, तो इन लास्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप्स वीक एसिड टाइप्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज शेड कंप्लीटली व्हेनेवर देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर दे शेड कंप्लीटली इनटू आयंस, मींस दे गिव्स H positive ions in the presence of water. Here they will also dissociate, but the number of H positive ions given by them will be less. ठीक है बेटा? Now with the help of activity we can prove this one. For this we have to take arrangement. We are having beaker, we are having electrode. The positive charge is called anode, while the negative charge is called the cathode. Okay? These are connected by means of wire through an external circuit that's called battery. Now here we are having bulb, ठीक है, but will happen when we switch on, then the current will pass through this solution. Firstly we have taken a strong acid here H2SO4, ठीक है, it will pass through this one and bulb will glow. Suppose when we have taken the H2SO4, then the brightness is V1, means whatever glow is giving that's V1. After that we have switched off. Now we have taken a weak acid here and CH3COOH. When we switch on, then again the acid will pass. Then we are having the brightness V2. First case we are having H2SO4, that is a strong acid. In second case we are having a weak acid, that is CH3COOH, or you can take another one. Then the brightness is V2. And what we observe, V2 is less than that of V1. Whatever brightness we are having, that is in second it is less as to that of first one. Both the acids, strong as well as weak, are connecting the electricity, but the brightness produced is less in case of weak acid. That's a difference only between two. Okay, beta? Thank you. This is the topic for today. Thank you. Bye-bye.